ये एक मिनी फॉगिंग मशीन है जो इसका एप्लीकेशन सोसाइटी में यूज किया जाता है फॉर मॉस्किटोज के लिए, और ओपन गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, पार्किंग एरिया में यूज कर सकते हैं, होम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में यूज कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पोर्टेबल हैंडी है, 1.7 kg का है और डीजल डाल के इसमें 2.7 kg तक हो जाता है। कोई भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है, घर की लेडी हो या सोसाइटी का वॉचमैन हो, इसमें कोई साइंस रॉकेट नहीं है, बहुत ही इजी ऑपरेशन है। मैं आपको इसका ऑपरेशन बता देता हूँ कैसा है। ये इसका 2 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, सोल्यूशन टैंक है, इसमें 2 लीटर डीजल रहता है, आपको इसमें डीजल डालना है। 2 लीटर डीजल में आपको ये केमिकल डालना होता है, इसमें 3 अलग अलग टाइप के केमिकल आते हैं, आपको सिर्फ 1 लीटर डीजल में 20 ml केमिकल आपको ऐड करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसमें, अभी आपको इसका एप्लीकेशन यूज करके बताता हूँ कैसे। इसको इस तरीके से टाइट करना होता है, ये आपका सॉल्यूशन टैंक है, ये आपका वाटरिंग यूनिट है, इसमें आपको पानी भरना होता है, ये पानी भर के साइड में लगाना है। इसको इस तरीके से प्रेस करना है और जस्ट चेक करना है कि ये प्रॉपरली फिट हुआ है कि नहीं, जब ओपन करना है तो ये दबा के आपको ओपन करना है। ठीक है, ये इसका गैस कैन है, इसमें 235 ग्राम गैस आता है ये, और ये आपको 70 मिनट्स तक यूज होता है। आपको इसको लगाने का तरीका इस तरीके से इसको पकड़ना है, ये गैप और ये गैप, ये फिट हो गया आपका। ये गैस कैन फिट होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो इस प्लस को आपको ओपन करना है। यहाँ पे गैस फ्लो होने का साउंड आ रहा है, इस साउंड आने के बाद में आपको ये बटन प्रेस करना है जिससे स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट तक आपको रुकना है, ये जो बर्नर है और कॉइल है इसको रेड होने देना है। ये रेड होते वक्त यहां पे देखिए नीचे लिखा है फॉगिंग एंड कूलिंग, तो इसको वर्टिकल रखना है इस तरीके से, यानी ये फॉगिंग पे है अभी। यहाँ पे देखिए बर्नर रेड हो रहा है लेकिन कॉइल कॉइल अभी तक रेड नहीं हुई है, तो 2 मिनट आप वेट कीजिए, कॉइल को रेड होने दीजिए। ये देख रहे हो आप नीचे वाली सेकेंड वाली कॉइल, इस तरीके से अगर रेड हो गई तो इसको आपको पंपिंग करना होता है। ये पंपिंग करता है, इसे पंपिंग करने के बाद में ये आपका धुआं निकल जाता है, और इसी तरीके से आपको स्टेयर केस पे, ग्राउंड में, सब जगह पे पंपिंग करना होता है। ठीक है, इसका बंद करने का प्रोसीजर एक है, जब इसको बंद करना है इसको गैस को बंद कीजिए, गैस कैन को निकाल दीजिए, इसको थोड़े से पंपिंग कीजिए, क्योंकि जो लाइन में जो डीजल है उसको बाहर निकालना है। ये निकल गया, अब देखिए यहां पे वाटरिंग करके लिखा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल पे आपको रखना है इस तरीके से। ये वाटरिंग रखने के बाद में आपको जब तक वहां से पानी नहीं आता तब तक आपको पंपिंग करना होता है। इस तरीके से पानी आना चाहिए उसमें, और ये पूरी बोतल खाली होने तक आपको पंपिंग करना है, क्योंकि जो ये कॉइल रहती है ये कॉइल पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए।